बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज तीन राज्यों में चुनाव का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। विशेष पेशकश के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले बात बिहार की, जहां रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान को लेकर फवाद जारी है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि मंत्री ने जो कहा वो बहुत गलत है। क्या यहीं से बिहार सरकार में आरजेडी और जेडीयू के बीच की दरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इंतजार करना होगा, क्योंकि कम से कम मतभेद सामने खुलकर आ गए हैं। सीएम नीतीश ने चंद्रशेखर के बयान की निंदा की है, जिसमें रामचरितमानस पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। आज तक से खास बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सुनिए, धान यात्रा के दौरान आज बक्सर के दौरे पर हैं, थोड़ी देर पहले ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। जानने की कोशिश करते हैं नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, आज आपने पूजा अर्चना की है, यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ भाई, बहुत पहले भी आते रहे, इधर कई साल से नहीं आए हैं। इधर आप पिछले वर्ष, आपको मालूम भी है कि सातवें महीने में, तो उसमें शुरुआत करा दिया गया था सरकार की तरफ से, तो वही हम देखने भी आ गए थे कि जो काम हो रहा है, तो जो काम हो रहा वो तो हो ही रहा है, उसको देख करके और सुझाव दे दिया है। और फिर यहाँ के लोगों से भी राय लेकर के कि और जो जरूरत है उसके लिए हमने अधिकारियों को कह दिया, सब होगा। बहुत अच्छा, काफी बहस छिड़ी हुई है रामचरितमानस को लेकर। कोई मतलब है? ये सब बहुत गलत बात है। सब चीजों पर कोई विवाद और बहस नहीं करना चाहिए, वो तो सबको अपना अपना अधिकार है। आपने उनसे कहा माफी मांगने के लिए, उन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन माफी करने का गलत बता कि तो उनके पार्टी के लोग कहते हैं। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई अब हुई है, वो अलग है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर बता रहे थे कि जो गलत है वो उन्होंने पहले ही बता दिया है, और चंद्रशेखर के बयान को लेकर जो है उनका बयान था, जो बता रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगने के लिए पहले ही कह दिया है, और उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने बता दिया है। और लगातार नीतीश कुमार, तो रामचरित विवाद के बहाने नीतीश कुमार ने एक सख्त संदेश दिया है। और मेरे साथ जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें बहुत कम ही दिखाई देती हैं जब नीतीश कुमार इस तरह से पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें एक बड़ा संदेश भी है, संकेत भी है, और उसी के साथ एक साफ बयान के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने खुद ही कहा कि वो इससे सहमत नहीं है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जहां मनप्रीत बादल पंजाब के कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर, पीयूष गोयल की मौजूदगी वहां पर, अनिल बलूनी आप देख रहे हैं मीडिया इंचार्ज वहां पर मौजूद है, और इन सब की मौजूदगी में मनप्रीत बादल अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये एक और बड़ा झटका कह लीजिए कांग्रेस पार्टी को। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल, और अब मनप्रीत बादल। लगातार बीजेपी सिख चेहरों को पंजाब में लुभाती हुई, अपनी तरफ खींचती हुई, और उसी कड़ी में एक बड़ा कदम ये दिखाई दे रहा है। पार्टी में स्वागत करें। मित्रों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज ये अवसर मिला एक इतने विद्वान, सरल स्वभाव के और अनुभवी राजनीतिक नेता, जिन्होंने अपने कार्य से वर्षों तक पंजाब की सेवा करी, और मैं मानता हूं इनका योगदान शायद पंजाब के भी बाहर इसलिए जाता है कि जो जीएसटी काउंसिल का कारोबार था, और जीएसटी काउंसिल में जब शुरू से ही माननीय अरुण जेटली जी
मुझे भी सौभाग्य मिला इनके साथ काम करने का दो जीएसटी मीटिंग्स में, और लगातार हम सभी का अनुभव यह रहा कि एक सोबरिंग इन्फ्लुएंस जो बहुत बैलेंस्ड, स्टडीड और देशहित को सर्वोप्रिय रखते हुए निर्णय लेने में अग्रसर रहते थे, ऐसे एक बड़े नेता पंजाब के आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। आपका मनप्रीत सिंह बादल जी तहे दिल से स्वागत है, और मेरा विश्वास है कि आपके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, पंजाब में भी, देश में भी। हमारा जो एक अटूट रिश्ता है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पंजाब में निगाहें टिकाती हुई, सिख चेहरों को अपनी तरफ लुभाती हुई, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब आप देख रहे हैं मनप्रीत साहब को भी बीजेपी में शामिल होते हुए। बहरहाल अब रुक करते हैं उस बड़ी खबर का जिस पर आज तक की नजर टिकी हुई है। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले 9 राज्यों में देश भर में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले फिलहाल 3 राज्यों का, जिसका आज चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जा सकता है, जिसमें नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, यानी 3 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय 3 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग की तरफ से ठीक 2:30 बजे का वक्त दिया गया है। 23 मिनट बाकी है। 3 राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि नागालैंड की जो असेंबली है वो मार्च 12 को खत्म हो जाएगी, वहीं मेघालय और त्रिपुरा में, मेघालय में 15 मार्च को, फिर 22 मार्च को त्रिपुरा में भी उससे पहले ही चुनाव होने हैं, और ऐसे में तीनों ही राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा है। 2018 में त्रिपुरा में बीजेपी ने जो जीत हासिल की थी उसमें राष्ट्रवाद की जीत वामपंथ के ऊपर, इसे करार दिया था बीजेपी ने। पूरी ताकत अभी से ही तमाम दिग्गज नेता वहां पर झोंक रहे हैं। कई सारे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग से, हमारे दो अन्य सहयोगी हिमांशु मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं संजय के पास। संजय, मार्च के पहले ही होना है, 12 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च जब असेंबली वहां पर खत्म हो रही है, तो कुल मिलाकर लग रहा है कि जनवरी अंत या फरवरी के महीने में ही चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। एक साथ होने के भी आसार हैं क्या? सवाल नंबर एक। बोर्ड का एग्जाम भी फैक्टर इन करना है, सिक्योरिटी, सुरक्षा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको भी वहां पर पहुंचकर पूरा मोर्चा संभालना होता है, संवेदनशील चुनाव होते हैं, क्या हो सकता है? चुनावी तारीखों का और कार्यक्रम का ऐलान तो बस अब थोड़ी देर में ही हो जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के आखिर में चुनाव संपन्न हो जाए, और सूत्र ये बता रहे हैं कि तीनों राज्यों में छोटे राज्य हैं और ज्यादा पेचीदा नहीं है, सुरक्षा को लेकर ज्यादा परेशानियां नहीं है, ज्यादा चुनौतियां नहीं है, लिहाजा एक ही चरण में तीनों राज्यों के चुनाव होंगे, एक साथ मतगणना होगी। वैसे उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरुआती हफ्ते में मतगणना हो जाएगी, और इसके साथ ही वहां की तीनों राज्यों की चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 2023 में वैसे तो औपचारिक रूप से 9 राज्यों के चुनाव होने हैं, लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लें, तो इस साल 2023 में 10 राज्यों के चुनाव होंगे, और चुनाव आयोग इस बारे में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मई में शायद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, जो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये 9 राज्यों के चुनाव में शुरुआत फरवरी से होनी है, और फरवरी में जब 3 राज्यों के, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव होंगे, उसके बाद फिर मई और फिर नवंबर, फिर दिसंबर, इस तरह से चीजें आगे चलेंगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जब कर्नाटक के चुनाव होंगे मई में, तो उस समय ही जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शायद उसका ऐलान हो जाए, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी, सबसे बड़ी जरूरत थी, जो प्रक्रियागत थी वो ये थी कि वहां पर डिलिमिटेशन हो जाए, यानी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हो जाए, वो सारा काम हो चुका है, तो अब सिर्फ और सिर्फ केवल वहां चुनावी तैयारियां करने के साथ साथ चुनावी कार्यक्रम का ऐलान रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में से 3 राज्यों की, जिनमें त्रिपुरा, मेघालय और जी
बिल्कुल संजय, आ रही हूँ आपके पास आज एकदम सेल्फी मोड में, पूरा मोजो कर रहे हैं आप, आ रही हूँ आपके पास। ऋतिक मंडल भी हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौशिक डेका जो कि हमारे साथ जानकारी देंगे हमें पूर्वोत्तर की, और साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौशिक डेका हमारे साथ है और जयंतो घोषाल जो कि कंसल्टिंग एडिटर है टीवी टुडे के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयंतो दा, आपके पास आते हुए जल्दी से, कहां कहां पर बीजेपी की नजर आएगी, खास तौर पर त्रिपुरा जिसके साथ उन्होंने मतलब एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की, कहा यह वामपंथ का अंत है, ये राष्ट्रवाद की यहां पर जीत हुई है, ठीक गुजरात के मॉडल पर उन्होंने मुख्यमंत्री को भी एन पहले बदला, क्या हो सकता है मेघालय नागालैंड तीनों ही राज्यों के बारे में, क्या तस्वीर आपको दिख रही है और क्या एक ही वोटिंग डे एक ही काउंटिंग डे हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे त्रिपुरा में अभी बीजेपी का जो रेजिम चल रहा है, बीजेपी का शासन चल रहा है, उसमें बीजेपी को मतलब विरोध में अभी जिस तरीके से कांग्रेस सीपीएम और ट्राइबल पार्टी जो है त्रिपुरा, जो वहां त्रिपुरा में कहा जाता है राजा का पार्टी, ये तीनों मिलके बीजेपी को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम सबसे बड़ा जो राजनीतिक ध्रुवीकरण था, और मैंने 87-88 में तो सीपीएम को हटा के कांग्रेस पावर में आया, अभी कांग्रेस जैसे अमित शाह जी ने भी कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जाके कहा कि कांग्रेस पूरी देश में साफ हो गया है, अभी त्रिपुरा में भी कांग्रेस कहां बचा। और सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिस्ट जो सबसे कांग्रेस के खिलाफ था, अभी कम्युनिस्ट का भी हालत वह खराब है, तो इसीलिए मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं खासकर ट्राइबल वोट को साथ में लाने का। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं इसमें कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस तो है नहीं, और ये जो है इलेक्टोरल विक्ट्री के लिए जो कर रहे हैं, ये बीजेपी वहां जो डेवलपमेंट के मुद्दे में, हम अभी एक हफ्ता पहले त्रिपुरा गए और वहां मैंने देखा है जैसे एयरपोर्ट कंप्लीटली बदल गया, अभी जो फ्लाईओवर त्रिपुरा में जो परिवर्तन हुआ है ये सबसे बड़ा अभी बीजेपी का, और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी चेंज हुआ है जो एंटी इनकंबेंसी था, वो भी अभी जो नए चीफ मिनिस्टर। एक सेकंड आपको रोक रही हूं, मैं लौटती हूं आपके पास। ममता दी भी किस तरह की कोशिशें दिख रही है, वो शिलोंग से तस्वीरें आ रही है, शिलोंग की तस्वीरें दिख रही हैं जहां वो एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, और मेघालय में भी अगर हम देखें तो जो रूलिंग कोलिशन है उसमें बीजेपी उनके साथ शामिल है। आप ये तस्वीरें और जो खास तौर पर ट्राइबल्स पार्टी का जिक्र उन्होंने त्रिपुरा के कॉन्टेक्स्ट में किया, क्या ट्राइबल पार्टी जो ऐसी बड़ी पार्टियां हैं उनका नुकसान बीजेपी का नुकसान यहां पर कर सकती है, सब पर नजर रहेगी। लेकिन जो एक संदेश आप देख रहे होंगे खास तौर पर वहां की टोपी पहनकर ममता बनर्जी वहां पर प्रचार कर रही है, ये भी एक संकेत है, वोटर्स को लुभाने की कोशिश है। कौशिक, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि त्रिपुरा में तो पार में अन्य दो राज्यों में रूलिंग कोलिशन के साथ बीजेपी भी ताकत झोंक रही है, क्या किसका स्टेक पर है और क्या मुमकिन हो सकता है और क्या एक वोटिंग डे एक काउंटिंग डे भी हो सकता है? कौशिक जी, त्रिपुरा का तो अभी जयंतदा ने समझा दिया है, त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में है और उनको चैलेंज करने के लिए कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन होने की बात चल रही है, और साथ में ये ट्राइबल पार्टीज भी आ सकते हैं जो प्रज्ञा देव वर्मा नेतृत्व दे रहे हैं। आईपीएफटी जो बीजेपी के एलआई था लास्ट टाइम, वो भी इस ट्राइबल गठबंधन में आ चुके हैं, आने वाले हैं, लगभग तय है। तो ये समीकरण अब ऐसा होगा, बीजेपी एक तरफ और बाकी सारे लगभग सारे पार्टी एक तरफ सिवाय टीएमसी के। अब टीएमसी की कैसे स्थिति लेते हैं, और टीएमसी एक ऐसे रोल प्ले करेंगे जो बंगाली वोट्स है उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। तो त्रिपुरा में एक तरफ से एक फ्लूइड सिचुएशन आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी के पल्ला कई दफा भारी है, इसलिए क्योंकि जैसे जयंतदा ने कहा डेवलपमेंट के मुद्दे पे बीजेपी आगे जाएंगे, लेकिन देखना ये होगा। मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है जो 20 ट्राइबल सीट्स है वहां पे बीजेपी या लेफ्ट अलायंस या ट्राइबल पार्टीज कौन बाजी मारते, यही निर्णायक भूमिका लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही देखा गया कि यहाँ पे 20 सीटों में से जहाँ पे सीपीआईएम का दबदबा रहता था, लास्ट टाइम बीजेपी और आईपीएफटी ने मिलकर 18 सीट ले गया था और उसी ने पूरा समीकरण बदल दिया था। ठीक है, जहां तक मेघालय की बात है, रूलिंग पार्टी एनपीपी है, एनपीपी कॉनराड संगमा के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन इस बार एनपीपी के साथ बीजेपी नहीं है, और बीजेपी ना होने का मतलब होता है जो असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के जो सामदान दंडभेद और जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, वो समीकरण इस बार एनपीपी के साथ नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन के बाद एनपीपी को सत्ता
में लाने में बीजेपी के और हिमंत बिश्व शर्मा के भूमिका थे, क्योंकि भूलना नहीं होगा कि कांग्रेस लास्ट टाइम, और दिलचस्प यह है कौशिक कि कैसे हेमंत बिश्व शर्मा वहीं से अपने तरीके से इन तमाम राज्यों में पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं बीजेपी की। लेकिन जल्दी से जो अन्य सहयोगी हमारे उनके पास चलते हैं, ट्राइबल्स की बात हो रही है, एक महिला आदिवासी हमने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, ये भी बार बार बीजेपी याद दिलाती है, क्या इन राज्यों में ये सब कुछ काम आएगा? जल्दी जल्दी चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। ऐश्वर्या भी हमारे साथ मौजूद है और मुझे लगता है आप चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, खबर आई कि मुख्य चुनाव आयुक्त ऐश्वर्या और जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं वो सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के दौरे पर पहले गए, उन्होंने सब कुछ असेस किया है और फिर अब तारीखों का ऐलान हो रहा है। क्या क्या चुनौतियां और क्या एक साथ हो सकती है वोटिंग? देखिए सिक्योरिटी अंजना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये जानता है कि छुटपुट कुछ ना कुछ इन राज्यों में होता ही रहता है। तो जो डिस्कशन हुआ था चुनाव की डेट ऐलान करने से पहले, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि किस तरीके से सेंट्रल फोर्सेज का मूवमेंट किया जाएगा, कौन से राज्य में कितनी सेंट्रल फोर्सेज रखी जाएंगी, इन सब चीज़ों पर बहुत बारीकी से बात की गई है। और 11 से 15 जो हमें समझ आता है ये वो दिन थे जब ये तीनों राज्यों के अंदर चुनाव आयोग रहे थे। थोड़ा सी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है, अगले 3 से 4 मिनट में अंजना ये जो आपको दिख रहे हैं ऑफिसर्स हैं ये चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, हमें लगता है अगले 3 से 4 मिनट के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे और चुनाव आयुक्त जो है बाकी दोनों वो भी उनके साथ में बैठेंगे। अनूप चंद्र पांडे बैठेंगे, अरुण गोयल बैठेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बैठेंगे। ऑफिसर्स जो है ECI के वो आने लगे हैं और अगले 3 से 4 मिनट के अंदर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अंजना शुरू हो जाएगी। जो हमें समझ आता है वो ये है कि जो मतगणना की जाएगी, जो रिजल्ट आएगा वो एक ही दिन आएगा और जो फेजेज होंगे वो तीनों राज्य के अंदर एक ही फेज रखा जाएगा जैसे कि 2018 में किया गया था। अंजना बिल्कुल, हिमांशु अब आपके पास आते हुए जरा बीजेपी के चश्मे से देखते हैं, और मुझे तो लगता है कि जिस तरह की ताकत गुजरात या अन्य राज्यों में बीजेपी झोंकती है वैसे ही पूरे मकाम पर और शबाब पर हम चुनाव कैंपेन बीजेपी का इन राज्यों में भी देखेंगे। पूर्वोत्तर को लेकर जो प्रधानमंत्री का जोर है वो हमेशा उसे दोहराते रहे हैं, और अब इन तीन राज्यों में किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ, अगर मोटे तौर पर जल्दी से आप बताएं, क्योंकि चुनाव आयोग अपने चुनावी तारीखों के ऐलान वाली मीटिंग को बड़ा टाइम पे शुरू करने के लिए जाना जाता है। जैसे मुझे लगता है 2:30 बजे का राजीव कुमार जी बैठ जाएंगे वहां पे मुख्य चुनाव। देखिए बिल्कुल अंजना, दो दिन की भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें जो इस साल होने वाले चुनाव हैं उनको लेकर डिस्कशन हुआ, तो तीनों राज्यों को लेकर चर्चा हुई थी, त्रिपुरा को लेकर, नागालैंड को लेकर और मेघालय को लेकर। तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार के अंदर है, त्रिपुरा में उनके मुख्यमंत्री हैं और मेघालय में वो सरकार के अंदर शामिल हैं, उनके दोनों विधायक जो हैं वो मंत्री हैं, नागालैंड में उनके डिप्टी CM हैं और वो सरकार के अंदर शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि इस बार नागालैंड के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अनाउंस भी कर दिया है कि वो 20 सीटों पर नागालैंड में चुनाव लड़ने जा रही है। मेघालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले 4 विधायकों को शामिल कराया था जिनमें 2 TMC के थे, 1 कांग्रेस के और 1 NPP के, तो अपने सहयोगी दल के विधायक को भी पोचिंग करने में यानी कि छीन कर लाने के लिए वो हिचकिचा नहीं रहे। उनको ये लगता है कि जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उनका सरकार के अंदर स्टेक भी बढ़ेगा, और इन्हीं तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए और अपनी पार्टी को विस्तार किया जाए। त्रिपुरा में उनकी सरकार है, पिछली बार वो 36 विधायक उनके जीते थे यानी कि बहुमत से 5 ज्यादा, और साथ ही साथ उनके सहयोगी दल ने 9 सीटें जीती थी तो 42 के करीब जो है उनका आंकड़ा पहुंच गया था। उस एक चीज को देखना होगा, त्रिपुरा में उन्होंने जो सरकार के खिलाफ थोड़ी सी नाराजगी थी संगठन की या उनके विधायकों की, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को चेंज करके जो है माणिक शाह को कमान दी है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर नाराजगी है उसका खामियाजा जो है वो सरकार को ना भुगतना पड़े, भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। अब ये देखना है कि तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी सरकार को चलाती है। नागालैंड को लेकर मैं एक सवाल, एक चीज बोल देता हूँ, नागालैंड में सभी पार्टियां जो है वो सत्ता पक्ष में, कोई विपक्ष में नहीं है। जी ठीक है, त्रिपुरा पर ही सवाल था मेरा, विपक्ष में कोई पार्टी नहीं, मेरा यही सवाल था, सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या अलग अलग? त्रिपुरा पे मेरा यही सवाल था कि एक तो जिस आप बात कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी, जिसके मद्देनजर पहले ही माणिक शाह को कमान दे दिया गया, मुख्यमंत्री बदल दिया गया, दूसरी तरफ वामपंथी दलों और कांग्रेस का गठबंधन, और तीसरी तरफ ट्राइबल्स पार्टी की चुनौती, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा त्रिपुरा। देखिए बिल्कुल
देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है क्योंकि पिछली बार लेफ्ट और कांग्रेस अलग लड़े थे और ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर साथ लड़ रहे हैं। साथ में उन्होंने जो है ट्राइबल पार्टी को शामिल कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी एक जो है BPFT वो उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर है कि ट्राइबल वोट उनके खिसके नहीं, और लेकिन एक चिंता की सबब जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो ये कि उनके पिछले 1.5 साल पहले 2 विधायक छोड़ के गए थे, दोनों कांग्रेस गए थे, उनमें से एक विधायक जो है बाई इलेक्शन जीता था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता जरूर सताएगी कि कहीं उनके कुछ नेता नाराज होकर जो है वो दूसरी पार्टियों में ना जाए। इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है और मुझे लगता है उसकी कमान हेमंता विश्व शर्मा के हाथ में है, जो असम के मुख्यमंत्री भी है और नॉर्थ ईस्ट में उनको भारतीय जनता पार्टी जो है अपने चाणक्य यानी अमित शाह के तौर पर देखती भी है। और उन्हीं की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अमित शाह जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर, चुनावी मुहिम को लेकर सक्रिय रहे हैं। जयंतोदा, इस पर एक सवाल आपसे जरूर करूंगी कि ये मास्टर स्ट्रेटजिस्ट जो है बीजेपी के, किस तरह से, और पीएम का खुद जोर रहता है पूर्वोत्तर के राज्यों में, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ठीक 2:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से इन तीनों राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। कहने को छोटे राज्य लेकिन बड़ा चुनावी दांव तमामी पार्टियों की तरफ से। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देख रहिए आज तक। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। जो कहानी हैरान कर दे वो अद्भुत है, जिसकी वजह समझ में ना आए वो अविश्वसनीय है, और जो कल्पना से परे हो वो अकल्पनीय है। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है, और अगर आप भी कोई ऐसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी जानते हैं तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं। अभी व्हाट्सएप कीजिए 8657900895 पर। हो सकता है मेरे शो पर अगली कहानी हो आपकी। राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आपको बता दें, क्योंकि यह खबर अच्छी नहीं है। जो खबर है उसके मुताबिक यूक्रेन में बताया जा रहा है कीव के पास हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 16 लोगों की मौत हो गई है। मलबा दिख रहा है और प्लेन क्रैश के बाद जो वहां पर आग और धुएं का गुबार है वो दिख रहा है। 16 लोगों की मौत हो गई है इसमें, ये कीव में प्लेन क्रैश है, और रिकॉर्ड करने वाली एक रोती बिलखती हुई आवाज भी सुनाई देती है। ये मलबा आपको दिखाई दे रहा है, और उससे पहले वाले हिस्से में आग की जो लपटें हैं प्लेन से वो दिखाई दे रहे हैं, दे रही है, और 16 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। कीव के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और कीव के पास यूक्रेन का ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश जिसमें 16 लोगों की मौत बताई जा रही है। और दुखद खबर इस तरह की भी आ रही है, यूक्रेन के गृह मंत्री की भी मौत की खबर आ रही है इसी क्रैश में।
तो जंग के बीच यूक्रेन में ये कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें बताया जा रहा है 16 लोगों की मौत हुई है, और इसी के साथ गृह मंत्री भी माना जा रहा है कि उनकी भी मौत इसी हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई। बहरहाल हमारी नजर बड़ी खबर पर बनी हुई है। 2:30 बजे चुनाव आयोग का ऐलान होगा चुनावी तारीखों का, मेघालय, त्रिपुरा, और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। बदल जाएगी मुंबई की तस्वीर, मुंबईकरों के लिए बड़ी राहत। नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाना होगा आसान। मुंबई को मिलेगी मेट्रो की 2 नई लाइनें। 19 जनवरी को मुंबई आ रहे पीएम मोदी कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, जिनमें सबसे खास होंगी मेट्रो की 2 नई लाइंस। पीएम मोदी मुंबई के दहिसर ईस्ट को डीएन नगर से जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 2A का उद्घाटन करेंगे, जो 18.6 किलोमीटर लंबी होगी, जबकि मेट्रो लाइन 7 अंधेरी ईस्ट को दहिसर से जोड़ेगी, जो 16.5 किलोमीटर लंबी होगी। पीएम मोदी ने ही 2015 में इन दोनों मेट्रो लाइनों की आधारशिला रखी थी। मोदी के 19 जनवरी के दौरे ने मुंबई का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। मोदी उद्धव ठाकरे के घर के पास भी रैली करेंगे। मातोश्री के सामने मोदी के ऐसे बड़े बड़े कटआउट लगा दिए गए हैं। पीएम के दौरे के ऐलान के बाद बीएमसी चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पिछले मार्च से बीएमसी चुनाव ड्यू है। बीएमसी पर सालों काबिज रही शिवसेना से बीजेपी इसे छीनने के लिए हर जुगत लगाने के लिए तैयार बैठी है। अगर ठाकरे गुट के हाथ से बीएमसी निकल गई, तो ये उस पर एक बहुत बड़ी चोट होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आए, जिससे उनका मोराल बूस्ट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है उसके लिए उन्हें एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा के बाद से ही बीएमसी का बिगुल ऑफिशियली बजा देगा। अब बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कैश रिच बीएमसी पे वो अपना कंट्रोल करना चाहती है। उधर दिल्ली में चुनाव आयोग ने शिवसेना के सिंबल मामले की सुनवाई की। शिवसेना से बगावत करके इस साल जून में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। महाराष्ट्र में सरकार तो शिंदे की है, मगर शिवसेना पार्टी किसकी है, इसे लेकर चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि असली शिवसेना वही है, जबकि शिवसेना के सिंबल पर जीतने वाले 40 विधायकों के साथ सरकार चला रहा शिंदे गुट पार्टी पर अपना दावा ठोक रहा है। इस मसले पर चुनाव आयोग अगली सुनवाई 20 जनवरी को करेगा। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। थोड़ी देर में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में एक साथ वोटिंग कराने के आसार। तेलंगाना के खम्मम में विपक्षी एकता का मोर्चा, केसीआर की रैली में पहुंचे केजरीवाल, अखिलेश और लेफ्ट के नेता।
रामचरितमानस विवाद में आज तक से बोले नीतीश कुमार, बयान बिल्कुल गलत, पहले ही शिक्षा मंत्री को समझा दिया था। पंजाब में कांग्रेस को तगड़ा झटका, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल का इस्तीफा, बीजेपी में शुरू की सियासी पारी। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास हेलीकॉप्टर हादसा, 18 लोगों की गई जान, यूक्रेन के गृह मंत्री की दुर्घटना में मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर अच्छी नहीं है क्योंकि जंग के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें यूक्रेन के गृह मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वीडियो में। देखिए हेलीकॉप्टर क्रैश, उसके बाद मलबा दिखाई देता है, कुछ हेलीकॉप्टर के जलते हुए हिस्से भी दिखाई देते हैं। और अभिषेक भल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर जानकारी के साथ। हेलीकॉप्टर क्रैश की वजहों के बारे में कुछ पता चला है क्या? जो जंग चल रही है उसकी, उसमें कुछ हुआ है? और 16 लोगों की मौत बताई जा रही है, 29 लोग जख्मी, 15 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? जी अंजना, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि क्या ये रशिया की तरफ से कोई अटैक था, पलटवार था, जिसकी वजह से क्रैश हुआ है। लेकिन जो हादसा है वो इसलिए और ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि जो ये हेलीकॉप्टर था जिसमें यूक्रेन के गृह मंत्री थे, उनके डेप्यूटी गृह मंत्री। बिल्कुल, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभिषेक, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच आइए, आप सीधे लिए चलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज चुनावी तारीखों का ऐलान है। आवाज कम कर लें ताकि हम। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर में होने वाला है। माना जा रहा है कि एक दिन के लिए भी श्री राजीव कुमार एंड इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद्र पांडे एंड श्री अरुण गोयल। एक ऑडियो नहीं आ रहा है आपको? ऑडियो टीम प्लीज चेक कर लें। अभी तो आपका टेस्ट चेक किया था, आपने कहा ठीक है।